हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन धोनी और आप सभी का स्वागत है 100% एकेडमी हरियाणा में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो HSC ने आंसर की डाली है अपनी साइट पर, हरियाणा क्लर्क कैटेगरी नंबर 1 एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2019 के लिए, उसके लिए ऑब्जेक्शन किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं अपनी साइट पर। यह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट, और देखिए यहाँ पे एक लाल रंग का आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको ये देखिए, ये खुल गई एक विंडो, इसमें आपको प्रोसीड पे बटन दबाना है। प्रोसीड पे बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम रोल नंबर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और एडवर्टीजमेंट नंबर, देखिए ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 5 पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 और पोस्ट का नाम जो होगा क्लर्क, उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन किस डेट को हुआ था वो आपको डाल देना है, इवनिंग में हुआ था या मॉर्निंग में हुआ था वो आपको डालना है। आपकी बुकलेट का क्या सेट है, क्या सीरीज़ है, ए है या बी है या सी है वो डालना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर डालने हैं, रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी, उसमें आप अपने ऑब्जेक्शंस डालेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक बार लॉगिन कर दिया और फिर दोबारा से आप लॉग आउट करेंगे, फिर दोबारा से आप लॉगिन करेंगे नहीं कर पाएंगे, यानी कि दो बार आप सेम रोल नंबर से ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते, बस एक ही बार आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, बार बार आप ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ पल पल की अपडेट के लिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।